नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गुरुग्राम से भाजपा प्रत्याशी राव इंदरजीत सिंह ने गुरुग्राम से राज बब्बर को प्रत्याशी घोषित करने पर तंज कसते हुए कहा कि पता ही नहीं था कि कांग्रेस गुरुग्राम से प्रत्याशी उतारेगी भी या नहीं। हम इस बात का स्वागत करते हैं कि आखिर कांग्रेस ने प्रतिद्वंदी उतारा। राज बब्बर के आने से परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और भाजपा के पक्ष में एक तरफा परिणाम रहेगा। राव इंदरजीत सिंह ने कहा कि राज बब्बर बाहरी है, उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा सांसद चुने गए थे। राज बब्बर का हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है। प्रत्याशी चुनते वक्त कांग्रेस से भूल चूक हो गई है। हर पार्टी सक्षम प्रत्याशी उतारना चाहती है। राव इंदरजीत सिंह ने कहा कि इस बार मेरा जीत का रिकॉर्ड टूटेगा। आपको बता दें कि राव इंदरजीत सिंह का गांव कसोला पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। पीडब्ल्यूडी एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने भी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर डॉक्टर बनवारी लाल ने भी कहा कि बावल से इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता भानु शर्मा की रिपोर्ट। जानकारी चाहिए। देखो, आज का प्रोग्राम थोड़ा लेट चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कसौला चौक के ऊपर हमने जो प्रोग्राम किया है, बीसीओ गांव के लोग यहाँ पे आए, बीसीओ गांव की पगड़ी यहाँ पर आई है और सब ने 36 बिरादरी के लोगों ने आश्वस्त कराया है कि इस बार पिछले साल की निस्बत, पिछले इलेक्शन की निस्बत ज़्यादा वोटों से आपको यहाँ से जिताएंगे। और मैंने इनके ऊपर छोड़ दिया है कि भाई कोशिश करो कि रिकॉर्ड तोड़ा जाए, और ये तोड़ने को तैयार है। फिल्म अभिनेता को यहाँ से आपके बराबर उतारा है, नुमाइंदगी दी है, किस तरह से देखते हैं आप? देखो, लड़ने का तो सभी को अधिकार है और हम उनको स्वागत करते हैं। कम से कम कोई हमारे खिलाफ प्रतिद्वंदी उतारा तो ही कांग्रेस ने, अब तक तो पता ही नहीं था कि उतारेंगे भी कि नहीं उतारेंगे। लेकिन फ़र्क नहीं आने का, जो रिजल्ट है इलेक्शन का वो अभी भी बीजेपी के पक्ष में जाएगा और यहाँ से जीत करके निकलेंगे। बाहरी का भी अगर कहीं ना कहीं मुद्दा अभी आप उठा रहे थे बंद से कि बाहर का प्रत्याशी है। देखो, बाहर का तो है ही, क्योंकि बीजेपी के प्रधान रह चुके हैं यूपी के, वहाँ से दो बार लोकसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं, राज्यसभा में भी अगर गए हैं तो यूपी के माध्यम से गए हैं। तो अगर वो हरियाणा में आते हैं तो ये तो महसूस तो होगा ही कि ये हरियाणा के बंदे नहीं हैं। सर, हुड्डा ने विकास कार्यों में लेकर दक्षिण हरियाणा के साथ आपका विश्वासघात का आरोप लगाते रहे, लेकिन अभी जो टिकटॉक के अंदर भी उन्होंने अपनी ही पार्टी के अंदर किया है, उसके लिए क्या कहेंगे? भाई, हर एक पार्टी कोशिश ये करती है कि सबसे सक्षम कैंडिडेट तोड़ा जाए, कई बार भूल चूक हो जाती है, इसमें कोई दोहरा नहीं। ठीक है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।